ए, तू चंदा मांगने आया या हफ्ता मांगने आया? बोलता है कि इस थप्पड़ की गूंज, तो वो बोलते तो वो बोलता है बाबा आप MBBS नहीं, आप बाबा है, आपके थप्पड़ में जादू है बाबा, किसी को बहरा बना देते हो, किसी की आवाज ला देते हो, बाबा आप चेकअप कराइए, आप महान है, भगवान है, शक्तिमान है, आप निकोबार अंडमान है बाबा। अरे एक दिन में कितना बोलेगा? जंग लग गया था बाबा, मुझे बोलने दो बाबा, बोलने दो। एक थप्पड़ ने खोली जबान, मैं साला बोलने लगा, मेरे बाबा ने किया है कमाल, ये साला बोलने लगा। तो वो बोलता है, तो वो बोलता है आपका 5 लाख का लोन मैंने माफ कर दिया। कौन सा लोन? एक्चुअली मुझे बोलने दो बाबा, बाबा फुल स्टॉक का मेरे पास, मुझे बोलने दो बाबा, ये दोनों कार रेस की बैटिंग के लिए मेरे पास आए थे, 5 लाख रुपए का लोन लिए थे मुझसे, लेकिन हार गए। अच्छा हो गया ना, आपकी मेरी मुलाकात होगी बाबा, आपने जो मुझे आवाज की गिफ्ट दी है बाबा, इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं बाबा, लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ बाबा, बाबा ये मेरी तरफ से रोलेक्स बाबा, ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड और स्टडेड विद डायमंड। बाबा अब ये मत पूछिए बाकी की घड़ियां कहाँ है, सारी खूबियां इसी घड़ी में है बाबा। बाबा इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने आपको रिटर्न गिफ्ट दिया। लोन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। वीर रोलेक्स, हाउ चीप? चीप सस्ता है बाबा, एक मिनट बाबा बाबा ये लो दूसरा रिटर्न गिफ्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट बाटा गिफ्ट। वीर ये रेस का आइडिया किसका? प्रेम का। और लोन का? प्रेम का। घड़ी किसने चुराई? प्रेम ने। और राजा का गिफ्ट? प्रेम ने। सारी फसाद की जड़ कौन है? प्रेम। अरे प्रेम, पत्थर को मारो बे, अरे तांदा के मारना तेरी तो कमरे बचा। तो वो बोलता है गोलियां कौन चला रहा है रे? पत्थर को मारो बे। अरे तू क्या कर रहा है, पत्थर ने गोले चल रहे मेरे? वही तो बोल रहा हूँ, पत्थर को मारो तेरी तो। ये सुबह सुबह पोछा क्या मर रहा है प्रेम? मैरी ये डॉक्टर जमीन क्यों चाट रहा है? भक घर में नई डिसेंट्री। एनी हाउ
तुम अपने फ्रूट एंड नट को लुसूटो भेजो या लू में आई केयर भाखड़ा नंगल डैम बे। मुझे मेरे डिपॉजिट के 2.5 लाख दो दो और प्रेम भाई अब मुझे समझ में आया कि आप यहाँ पोछा क्यों मारो। प्रेम भाई वो क्या है ना पानी ओवरहेड हो चुका है अब जो है ना मुझे इस बंगले में नहीं रहना मुझे मेरे 2.5 लाख वापस दो। धर्म भैया अरे उसी धर्म पगले की वजह से तो मुझे यहाँ नहीं रहना। धर्म भैया तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो अरे यार तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो रेंट का आइडिया किसका प्रेम का बंगले का डिपॉजिट किसने दिया था प्रेम ने मुझे पागल किसने बोला प्रेम ने मेरे हाथ से मरेगा कौन अरे पगलू जस्ट चिल कि उस दिन रात को मैंने आपको सब सच बता दिया लेकिन अपने दामाद को मारने के चक्कर में हम सबको उड़ा देते। अरे कैसे उड़ा देते मैं गोली मारूंगा क्या मैं तो खुद गोलियां खा खा के जी रहा हूँ एक मुर्दे क्या किसी की जान लेगा जी। ए मुर्दे आर यू घोस्ट अरे हट होस्ट की बच्ची मिसाल दे रहा हूँ एग्जाम्पल मैं तो यहाँ इसलिए आया क्योंकि मेरी बेटी कब से फोन नहीं उठा रही अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में मुझे लगा वीर विद्या को भगाकर जबरदस्ती शादी कर रहा है। ए, हाँ? क्या बात कर रहे हैं आप वीर और विद्या की शादी कब की हो चुकी है नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विद्या तू ऐसा नहीं कर सकती विद्या अरे कहानी है विद्या ये है ये हाँ? अरे मैं इसका बाप हूँ विद्या ये है मेरी बेटी धर्म जी मैं ही विद्या हूँ हाँ, यही है विद्या वीर की गर्लफ्रेंड व्हाट तुम एक शादीशुदा की गर्लफ्रेंड हो नो 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 वीर इज नॉट शादीशुदा देन हु द हेल इज शादीशुदा मिस्टर एंड मिसेस प्रेम चोपड़ा देखा देखा यह विद्या 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 और यह जानवी जानवी जानवी